पांच साल पहले आपने मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, मैंने पांच साल में कोई कमी नहीं रखी, एक एक पल मेरा जिंदगी का बीता है गरीब की, गांव की, किसान की, दलित की, पिछड़ों की सेवा करने के लिए। गहलोत ने आज कर दी है 10 बड़ी घोषणा, राजस्थान में लागू होगी यह सभी घोषणाएं। आइए सभी के बारे में जानते हैं। उसी रूप में हमने काम किया है, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी में, बिजली में, सड़कों के अंदर और पेंशन में भी। 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को पेंशन दे रहे हैं, निस्सज्जनों को दे रहे हैं, विधवाओं को दे रहे हैं। 1,000 रुपये पेंशन कर दी, पहले 500 रुपये थी, 1,000 कर दी और आगे 15% अपना बढ़ेगा, हिंदुस्तान में कहीं नहीं, राजस्थान में हमने किया। इस प्रकार से शानदार तरीके से काम की शुरुआत करी। महंगाई आ गई थी, राहुल जी ने कहा 4 मुद्दे हैं बाढ़ जोड़ो यात्रा के अंदर। महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, आपस में सभी धर्म जाति के लोग प्यार मोहब्बत से रहे और गरीब अमीर की खाई नहीं बढ़े। मैं समझता हूँ उसी रूप में हमने बजट पेश किया, फैसले किए। मुझे कहते गर्व है, महंगाई शिविर में 10 योजनाएं जो मैं लेके आए थे, गारंटी हैं और हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, इलाज का बीमा होना बहुत बड़ी बात है। कितना खर्चा बढ़ गया, आपकी बचत हो गई घरों के अंदर। 25 लाख का बीमा, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया, 500 में गैस सिलेंडर शुरुआत हमने ही कर दी। और तो और लंपीरों में गाय मर गई थी, गाय माता 40,000 रुपये दी प्रति गाय हमें दे दिए, जो कहीं नहीं मिले आपको। और बीमा करें आगे गायों का भी, भैंसों का भी, तो आप सोच सकते हो 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी और 1 करोड़ लोगों के घरों में बिजली का भी 0 आने लग गया है। किसानों को 2,000 यूनिट बिजली फ्री करी, 14 लाख किसानों का बिल 0 आ रहा है राजस्थान के अंदर। अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं हम लोग, महिलाओं के लिए राशन की सामग्री, मिर्च मसाले, तेल, दालें वगैरह, क्योंकि रसोई की मार बहुत बड़ी होती महिलाओं पर। तो कहने का मतलब है हमने कमी नहीं रखी है, जो कहा वो करके दिखाया है। और किसानों के लिए तो हमने, आप समझ लीजिए कि एक तरफ तो 600 किसान मारे गए, 1 काले कानून आ गए थे, 1 साल आंदोलन चला, सरकार ने परवाही नहीं करी उनकी। 600 किसान मरना किसे कहते हैं, सड़कों में बैठे बैठे मर गए वहाँ पर। और ऐसी सरकार आई और दूसरी तरफ हमने किसानों का अलग बजट पेश किया राजस्थान के। राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, अलग बजट पेश करना बहुत बड़ी बात थी। दुगनी राशि कर दी हमने बीजेपी से उनके एलोकेशन के अंदर। तो इसलिए मैंने कहा आपको, 12 मिशन बनाए हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए। 2030 का जो मिशन मैंने आह्वान किया था, 3,32,00,000 लोगों ने अपनी राय दी है, डॉक्यूमेंट लॉन्च हो गया, पड़ा रहेगा हमेशा के लिए। 2030 तक चाहते राजस्थान भी देश में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आए। उस पर कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन पार्टी होगी, मैं नहीं कह सकता। तो मेरा धर्म बनता था कि मैं अभी सही प्लानिंग करूं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्या नक्शा राजस्थान का हो। 20 जिले बनाए हमने, 20 जिले नए बना दिए। अब नहीं, 20 जिले मैं चाहूँगा, संभाग बन गया आपका, सीकर संभाग बन गया, पाली बन गया, बांसवाड़ा बन गया, दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब ठेठ कोतपुर के लोग जयपुर आते थे बार बार, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रसाद जी का हम ढंगे होंगे, मैं चाहूँगा कि वहाँ प्लानिंग से नए जिले बसे, कलेक्ट्रेट भी, अन्य जो मिनी सचिवालय होते हैं वो। तो सपना देखा गया है आगे के राजस्थान का। मैं चाहूँगा कि जिस रूप में हमने कोई कमी नहीं रखी, आज 65 कॉलेज कृषि कॉलेज राजस्थान में हैं। आप लोग किसान बैठे हुए बता रहा हूँ मैं आपको, 55 किसानों में से 63 कॉलेज में से 51 कॉलेज सिर्फ कृषि कॉलेज मैंने इन 5 साल में खोल दी। 5 साल में कुल 230 कॉलेज खोली राजस्थान के अंदर, उसमें 130 कॉलेज गर्ल्स की खोल दी है।
भाई यही शांत रहो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा। चित्र साल में कॉलेज खोली है 250, हमने 5 साल में खोली है 230 कॉलेज, 130 तो गर्ल्स कॉलेज खोल दी, और 500 लड़कियाँ पढ़ेगी स्कूल में, कॉलेज बना दी जाए। कहना कि मतलब बारीकी से हमने फैसले किया हर चीज़ का, इसलिए आज राजस्थान भर में लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए भी उड़ान योजना अलग है, नैपकिन मिल रहे हैं मंथली उनको, पढ़ाई फ्री है लड़कियों की, MA तक की पढ़ाई फ्री है, स्कूटी अलग दे रहे हैं, नौकरी में 30% आरक्षण कर दिया। राजस्थान में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा, और तो और 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन, जिसमें 40,00,000 तो बढ़ चुके हैं, 40,00,000 बढ़ चुके हैं, सरकार बनते ही 1,00,00,000 महिलाओं को और टेलीफोन मिलेंगे, मोबाइल फोन मिलेंगे आपको। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि आज जो गारंटी की बात बताई शिखा बराला ने, अब मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता, इतना कह सकता हूँ कि बहुत ऐसी योजना है, वो है छात्रों के लिए भी इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं कुछ खिलाफ था इंग्लिश के, मैं जब पढ़ता था इंग्लिश क्या काम आएगी, ये राजीव गांधी का सपना था 21st century में देश को ले आना है, कंप्यूटर का युग आएगा, मोबाइल फोन इंटरनेट यूट्यूब गूगल आ गया, दुनिया मुट्ठी में हो गई, नॉलेज इज पावर, ये कहावत बन गई है, और नॉलेज रखने के लिए जरूरी है आधुनिक इक्विपमेंट हो हमारे पास में, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो। हमने क्या तय किया है, एक तरफ तो अंग्रेजी स्कूलें खोले हम लोग, और गांव वालों को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने समझ लिया कि टाइम बदल गया है, बच्चों के लिए पढ़ाओ, लॉटरी खोनी पड़ती है एडमिशन के लिए, इतनी भीड़ पड़ने लगी गाँव के अंदर, 6,00,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हम चाहते हैं गारंटी दे रहे हैं, जो मांगेगा गाँव के अंदर हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश स्कूल भी खोलेंगे, ये मैं वादा करना चाहता हूँ आप लोगों से, कि हमारे बच्चे भी देश दुनिया में जा सके, और साथ में 12वीं जो बच्चे पढ़ रहे अभी या बैठे होंगे कई बच्चे, वो जब फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट में जाते ही उनको, क्योंकि देखिए पैसे वाले तो खरीद लेंगे लैपटॉप या टैबलेट, करीब 20,000 का आता है वो, गरीब का बच्चा किराने का बच्चा कैसे खरीदेगा, माँ बाप कहेंगे भाई 20,000 कहाँ से लाए, सरकार ने गारंटी दे दी है पब्लिक को, तमाम लाखों बच्चों को जो जाएंगे फर्स्ट में, उन सबको जो सरकारी कॉलेज में जाएंगे उन सबको लैपटॉप टैबलेट दिया जाएगा, ये हमने कर दिया। इस प्रकार से कई फैसले किए हैं, तो मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं, आप रोज मेरी स्पीच सुनते होंगे, अखबार में खूब खबरें छप गई आज तक, और इनके पास कहना कुछ है नहीं, बीजेपी के पास में इनका जो घोषणा पत्र आया है वो भी हमारी स्कीमों की लीपापोती करी है, कुछ नहीं किया है, गोबर भी नहीं उनका। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताओ अगर राजस्थान सरकार 25,00,000 का बीमा दे सकती है तो बीजेपी की क्या सोच है, 14 राज्य उनके पास में हैं, वो क्या सोचते हैं बताएं, बोल ही नहीं रहे। हमने OPS दे दिया कर्मचारियों को, वो पता OPS के बारे में ओपिनियन क्या आपकी, उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं बीजेपी के, लिखा ही नहीं है उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर। हमने कहा 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उन्हें 450 लिख दिया, उन्हें पूछो आपके पास केंद्र सरकार है, आप खाली राजस्थान के लिए लिख रहे हो, 14 राज्यों में सरकार आपकी है, या तो आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपको अब आगे से सब राज्यों में 450 में सिलेंडर मिलेंगे, तो बात समझ में आती, खाली आपने राजस्थान लिख दिया। पेंशन हम दे रहे हैं, वो 200 रुपये पेंशन देते हैं, हम 1,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने, आपने सुना होगा, मैं कई बार कहता हूँ, आप लोग भी नहीं समझ पाते होंगे, 4 कानून पार किए सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, नरेगा वरदान साबित हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी एक्ट। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को,
पांचवा कानून पास करो। हर परिवार को मिलने चाहिए 6,000 रुपए। गहलोत का बड़ा ऐलान, राइट टू सोशल सिक्योरिटी हर परिवार को। दुनिया के मुल्कों में पैसा मिलता है मंथली। राहुल गांधी ने कहा 6,000 रुपए मिलना चाहिए पर मंथ एक परिवार को। कानून बनेगा, नियम बन जाएंगे, किसी को कितना मिले। हर परिवार को जिंदा रखने का जीवन चला है वो।